कई बार क्या होता है ना, उनको पता चल जाता है यार केजरीवाल ने ये बात बोली, ये बात लोगों के दिल में जो है ना वो बस जाती है। जहाँ केजरीवाल जाता है वो गारंटियाँ देते हैं। हम गारंटियाँ देते थे पहले पंजाब में भी, हमने गारंटियाँ दी, बिजली माफ़ करने की गारंटी दी, सरकारी नौकरियों की गारंटी दी। फौजी अगर शहीद होता है देश का, पंजाब का कोई भी और दिल्ली का कोई भी फौजी जवान शहीद होता है देश के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का चेक उसके भोग से पहले उसके घर वालों को मिल जाता है। ये सम्मान दे रहे हैं हम, हमने गारंटी दी। तो उन्होंने कहा यार ये गारंटियां कहते हैं, गारंटी लफ्ज ना ये दिल पे असर छोड़ता है। तो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया मोदी जी की गारंटी। पहले तो संकल्प पत्र कहते थे, पहले तो घोषणा पत्र कहते थे, पहले तो ये मैनिफेस्टो कहते थे, अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ऐड आती है ना मोदी जी की गारंटी। और जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। देखते जाओ, थोड़ा टाइम दो, धरती पे आएंगे, नीचे आएंगे, देखो आने लगे। अब हाथ जोड़ जोड़ के घर घर घूम रहे हैं ना, किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। सो दोस्तों, ये अभी क्या है ना, लॉलीपॉप देने शुरू कर दिए। अभी परसों ही दिया एक लॉलीपॉप आपको, 100 रुपया सिलेंडर सस्ता। भाई साहब 1100 का किसने किया था, महंगा किसने किया था? अच्छा भला 300 साढ़े 300 का था, 1100 रुपया करके उसमें से 100 कम कर दिया। कहता बहुत बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा दिया मैंने, खास तौर पे माओ बहनों को। अरे भाई कमाल है यार, ये लॉलीपॉप ऐसे देंगे, इनको पता है कि लोगों की ना याद शक्ति कमजोर है, ऐसे 100 रुपया छोड़ दो, लोग कहेंगे 100 रुपया छोड़ दे। मैं आपको बात सुनानी चाहता हूँ, याद रखना कि भगवंत मान कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी, ये लॉलीपॉप कैसे देते हैं और उसके बाद लोगों पर क्या असर होता है। एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा खासा अमीर घर था, पैसे वाले थे, उन्होंने कहा हमारी लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा किया उन्होंने, बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े सोने के जेवर, चांदी के जेवर, और उस टीवी, बहुत लेटेस्ट सामान, सोफे वगैरह, गद्दे, सब लड़की के लिए लेके आए। कल बारात आनी थी, कल बारात आएगी। एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल पड़ा है। डाकू घर पे आए ट्रक लेके, उन्होंने पूरे, आप ये देख रहे ना लॉलीपॉप कैसे देते हैं, ये बात याद रख लेना। तो उन्होंने पूरे था, सब सोने के जेवर वेवर, सब अलमारियाँ, बड़ी बड़ी सोफे, बेड, सब ट्रक में भर लिए। ट्रक में भर के जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, एक मिनट मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो। खोले, अंदर परिवार डरा हुआ बैठा था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? तो एक लड़की उठी डरी हुई बेचारी, सहमी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको दिया, बेटा ये शगन रख ले, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन्होंने दे दिया, डाकू चले गए लेके सामान लूट के। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा FIR लिखवाने को खिलाफ, FIR नहीं लिखवा रहा था डाकुओं के खिलाफ, एक भी बंदा परिवार का। कहते जी जो मर्जी है लूट के, चाहे पूरा घर ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगुन दे गए। यही आपके साथ कर रहे, परसों दिए 100 रुपये आपको शगुन, 5 साल लूट लिया लेकिन बंदा बड़ा अच्छा, जी मोदी 100 रुपये शगुन दे दिया, ये परसों कर दिया जी। इन बातों में मत आना, इन बातों में मत आना। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहूं, वो ताली मार दो, जिनको नहीं आई वो रहने दो। अरे बहुत ही समझदार लगता है गुप्ता जी, बहुत समझदार लगता है, सब समझ गए। यही काम करोगे ना इस बार, ये आपके पास आएंगे, इनके पास लूटा हुआ माल बहुत है, आप ही का पैसा है, आपके पास आएंगे,
इलेक्शन के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले वाली रात को आएंगे और कहेंगे कि ये रख लो, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मना मत करना, घर पे लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, लेकिन पकड़ के जेब में रख के कहना जी हाँ। और अगले दिन चुनाव वाले दिन स्कूल में पोलिंग बूथ होगा, वहां झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हाँ हाँ, ताली बजा दो बस। कुछ तो वापस आए, अरे कुछ तो वापस आए आपके पास, आपका ही पैसा है भाई। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हर साल दो दो तीन तीन इलेक्शन होने चाहिए, कम से कम इलेक्शन के हमें बाहर आते हैं, कुछ तो दे के जाते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है, 5 साल तो आते नहीं है, अपने महलों के अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं भाई साहब। तो मैं ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इस बार झाड़ू, क्योंकि सफाई जो है ना वो झाड़ू करता है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने दिल्ली और पंजाब में ये मोदी जी की आंधी को कैसे रोका, मैंने कहा कौन सी आंधी, कहते मोदी जी की, आपने कैसे रोका, मैंने कहा जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह और उनका चुनाव चिन्ह, मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का, कहते जी कमल का फूल, मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, बोले जी झाड़ू, मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, बोले जी कीचड़ में, मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई, मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं भाई साहब, सफाई कर दो, झाड़ू है आपके पास, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब हम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे भाई साहब, पूरे देश में झाड़ू चलेंगे। इन्होंने मजाक बना रखा है देश का, इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया, भट्ठा बिठा के रख दिया, अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा था, अंग्रेज भी शर्मसार होंगे कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं, हम ही लूटते हैं, हमारे ही बंदे हम ही लूटते हैं, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। तो इस बार हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि झाड़ू वाला बटन जैसे ही दबाओगे, समझ लो आपने घर की मकान की सफाई तो जो झाड़ू आपके पास है उससे कर दी, और समाज की सफाई आपने बटन दबा कर दी, ये बात याद रख लेना। इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम अपने आप ही शक कर रहे हैं कि शायद वो लूट रहा है, वो लूटने वाले कोई और हैं, लूटने वाले कोई और हैं। एक गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, एक ही रात में 2 घरों में भैंस मर गई, 2, अगली रात फिर एक भैंस मर गई, उससे अगले दिन फिर एक भैंस मर गई, लोग दुखी। वहीं गांव में कोई डेरा था, साधु संत बैठे थे वहां, उनकी बहुत मान्यता थी, लोग मानते थे, उन जाके गांव वाले ने कहा जी बाबा जी कृपया कीजिए रास्ता दिखाइए, ये क्या हो गया, गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, 4-5 भैंसें मर चुकी हैं 3 दिन में, बताइए क्या करें। उस साधु ने कहा एक काम करो, एक चद्दर ले लेना, उसको ओढ़ लेना ऊपर, ऐसे 4 बंदों को एक एक चद्दर का कॉर्नर जेड़ा वो पकड़ा देना, चद्दर ओढ़ लेना, गाँव के लोगों को चद्दर के नीचे से निकालते रहना, जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से निकलेंगे वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई यहाँ से आइए और आपको चद्दर से नीचे से निकलना होगा। 4 बंदे चद्दर पकड़ कर खड़े हो गए, नीचे से निकलते गए लोग, पहले महिलाएं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर बच्चे भी निकाले गए, कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर बंदे शुरू हो गए, सारा गाँव भाई साहब चद्दर के नीचे से निकाल दिया, ना कोई बेहोश हुआ ना किसी की मौत हुई। पता क्यों? क्योंकि जो भैंसे चोरी करने वाले चोर थे वो तो चद्दर लेके खड़े थे, मरेगा कौन, चद्दर तो उनके हाथ में थी। हमने भी यही कर रखा है, 70 साल से चोरों को चद्दर पकड़ा रखी है, अब चद्दर ईमानदार बंदों के हाथ में दे दो, सब चोरियां बंद हो जाएंगी, सब डाके बंद हो जाएंगे जो आप पीछे जेब पर बैठते हैं। तो ये बात करने के लिए आपके पास आए, ये तंग करते हमें दिल्ली में, तंग करते, काम नहीं करने देते, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट ली, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी एलजी ने केंद्र के कहने पर,
और इन्होंने फरिश्ते स्कीम चलाई कि कोई जख्मी को कहीं भी दाखिल करवा दो पैसे देंगे, वो बंद कर दी। जल बोर्ड का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल कोई भी जनता की भलाई का काम शुरू करता है उसको बंद कर देते हैं। केजरीवाल अकेला लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, एलजी के खिलाफ लड़ रहा है, मैं पंजाब में गवर्नर के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ लड़ रहा हूं, मेरे भी पैसे रोक रखे हैं, 8,000 करोड़ पंजाब का जो बनता है रोक रखा है। तो ये बात जब मैं लेके गया नीति आयोग में तो मैंने कहा जी हमारे पैसे दो, पैसे दो, तो ये टाल मटोल करते थे। तो एक अफसर मेरे पास आया, मेरा फैन था वो, एक अफसर मेरे पास आया और बोला कि मान साहब यहाँ से ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा और कैसे मिलेंगे यार, कहते लोगों के पास जाओ। मैंने कहा लोगों के पास तो आया हूँ यार, लोगों के पास से तो उन्होंने तो कर दिया काम, उन्होंने 92 सीटें दे दी, दिल्ली में 62 दे दी। कहते नहीं 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 एक बार फिर जाओ। मैंने कहा कैसे, कहते वो तो लोकल वोटें दी आपको सरकार बनाने के लिए, सरकार स्टेट की, लेकिन ये लोकसभा वाली चुनाव के लिए लोगों के पास जाओ। अगर आपकी पंजाब से 13 सीटें आ गई और हरियाणा में आपका खाता खुल गया, दिल्ली में आपके पास जितनी सीटें आ रही हैं वो भी कमाल है, अगर आपके 10 पहले ही राज्यसभा में हैं, आपके 30-35 हो गए ना राज्यसभा और लोकसभा में, जब 30-35 इकट्ठे बोलेंगे मजा ला, कोई माइका लाल एक भी रुपया हरियाणा का या पंजाब का कोई रोक के दिखा दे। इसलिए आए हैं आपके पास।